बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सिखाएंगे क्रोशेट से बेबी हैट। इसको आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। साथ में मैंने इसमें यूज़ किया है 4-ply वूल, ठीक है, दो डिफरेंट कलर्स में, एक ब्लू है और एक स्काई ब्लू। मैंने इसमें यूज़ किया है 3 mm का हुक। आप चाहें तो 3.5 mm भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस यान के हिसाब से ये हुक सूटेबल लगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे दो डिफरेंट कलर। यहाँ पे मैंने साथ में पॉम्पम लगाई है और पॉम्पम मेकर जो है वो मैंने 7 cm का यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी बनाएंगे ब्रिम, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। मैंने किस तरह से बनाई है मैं आपको बताती हूँ। स्लिप नॉट करेंगे और चेन करेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली चेन को स्किप करेंगे, अगली 7 चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चेन 1 और टर्न करेंगे। अब हम करेंगे बैक लूप पे SC। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से फिर हम चेन 1 करेंगे और बैक लूप पे 7 SC करेंगे। और आपको जितनी चाहिए आप उस हिसाब से अपनी ब्रिम रख सकते हैं। मैंने ये तकरीबन 1 inch का रखा है। आप इसको डबल भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से जो हम फोल्ड करते हैं वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो रोज़ बनेगी आप इसको काउंट करेंगे और ये पैटर्न जो है मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से बनेगा। तो मैंने यहाँ पर जो बनाई है इसमें मैंने बनाई है 84 रोज़, ठीक है, 84 रोज़ बनाई है। और इसका जो साइज़ आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है तो आपने जो भी अपने बेबी का साइज़ लेना है उसको 1 से 1.5 inch तक आपने कम बनाना है, ठीक है। ये इसका साइज़ है। जब आप अपनी लास्ट रो कंप्लीट कर लेंगे तो इन दोनों को सीधा करके मैं यहाँ पे चेन 1 कर रही हूँ और इस साइड से भी स्टिच उठा रही हूँ, यहाँ से भी। आप चाहें तो स्लिप स्टिच करते जाएं, चाहें तो SC करें, क्योंकि ये आएगा बैक साइड पे इस तरह से। टोटल आपके पास 7 slip स्टिच आएंगे। अब आपने क्या करना है, चेन 1 करनी है और इसको सीधा करना है। अब आपके पास टोटल आने चाहिए, हम इसका अपर पार्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे सिंगल क्रोशे इस तरह से। टोटल हमारे पास इस रो में होंगे 84 सिंगल क्रोशे। तो मैं ये 84 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने 84 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं SC। यहाँ पे मैं अपना कलर भी ज्वाइन करूँगी। मैंने स्लिप स्टिच नहीं किया यहाँ पे। स्लिप नॉट करेंगे, यहाँ पे मैंने स्लिप नॉट किया और ये मेरी लास्ट लूप थी। अब जहाँ पे मैंने फर्स्ट अपना SC किया था उसकी बैक लूप पे हुक इंसर्ट करेंगे और अपना कलर इंसर्ट करेंगे, कलर B इस तरह से। चेन 1 इसको हम टाइट कर लेंगे और बैक लूप पे करेंगे SC, ठीक है। राउंड 2 में बैक लूप पे SC करेंगे। पीछे आपने अपनी इस टेल को हाइड करते जाना है। टोटल राउंड 2 के बाद हमारे पास होंगे 82 सिंगल क्रोशेस। इस राउंड को भी मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे मैंने अपने राउंड टू कंप्लीट किया है। इसको हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टिच में और इसको हम साइड पे करेंगे। अब हम लेंगे अपना कलर ए, इसके साथ स्लिप स्टिच करेंगे और इस टेल को आप खींच लेंगे, ठीक है। चेन वन की, अब हम करेंगे टू सिंगल क्रोशे इन अ बैक लूप, वन टू। अब हम ड्रॉप डाउन डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, आपने यार्न ओवर की। हम काउंट करेंगे नीचे से, जो बैक फ्रंट लूप आपको दिख रही है, वन टू थ्री। यहाँ पे जो थर्ड है यहाँ पे हम करेंगे ड्रॉप डाउन डबल क्रोशे, इस तरह से हुक इंसर्ट किया इस तरह से। फिर हम करेंगे सिंगल क्रोशे इन अ बैक लूप, इसके पीछे वाले स्टिच को आपने छोड़ देना है, ठीक है। वन टू एंड थ्री, ठीक है। यहाँ पे हमने करने हैं थ्री बैक लूप सिंगल क्रोशे। फिर हम रिपीट करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे जो हमारी फ्रंट लूप है कलर ए की, उसमें हम करेंगे ड्रॉप डाउन डबल क्रोशे इस तरह से, ठीक है। फिर हम करेंगे थ्री सिंगल क्रोशे इन अ बैक लूप, रिपीट करेंगे ड्रॉप डाउन डबल क्रोशे इन अ फ्रंट लूप इस तरह से, ठीक है। ये वाला राउंड आपने कंप्लीट करना है, यहाँ तक आएंगे, लास्ट में हमारे पास आएगा बैक लूप सिंगल क्रोशे। अगर नहीं आ रहा तो अपने स्टिचेस को काउंट कीजिएगा, फिर अपने पैटर्न को सेट कीजिएगा। राउंड थ्री मैंने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में मेरे पास आया है एक बैक लूप सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे कलर बी के साथ स्लिप स्टिच करके। यहाँ पे आपने अपनी टेल्स को जब भी कलर चेंज करेंगे टेल्स को खींच लेना है और चेन वन करेंगे, वन सिंगल क्रोशे इन अ बैक लूप, ठीक है, इस तरह से। बहुत ही आसान पैटर्न है। अब हमने बैक लूप पे सिंगल क्रोशे ही करना है ऑल अराउंड में, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इस तरह से। राउंड फोर मैंने बैक लूप पे कर लिया है सिंगल क्रोशे, इसको ज्वाइन करेंगे कलर ए के साथ और इसको हम खींच लेंगे, ठीक है। चेन वन की, अब हमें क्या करना है, राउंड फाइव में हमने फ्रंट लूप ड्रॉप डाउन डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे जो सेंटर में हमारा एस सी आ रहा है उसकी फ्रंट लूप पे, ठीक है, इस तरह से। फिर हम करेंगे बैक लूप पे तीन सिंगल क्रोशे, वन टू एंड थ्री। अब जो ड्रॉप डाउन आपका आ रहा है वो यहाँ पे सेंटर में आएगा, ठीक है, वन टू थ्री, जो सेंटर में सेकंड स्टिच है उसमें आएगा। यार्न ओवर इस तरह से। फिर हम करेंगे तीन सिंगल क्रोशे, वन टू बैक लूप पे एंड थ्री। अगेन आपके पास यहाँ पे सेंटर में आएगा ड्रॉप डाउन डबल क्रोशे, इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद आपने राउंड टू रिपीट करना है बैक लूप पे सिंगल क्रोशे, ठीक है। मैं ये दो राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। राउंड सिक्स आपने कंप्लीट करना है अपना बैक लूप पे ऐसे करके। फिर ज्वाइन करेंगे हम अपना कलर ए और करेंगे बैक लूप पे थ्री सिंगल क्रोशे, वन टू एंड थ्री, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारा सेंटर में स्टिच आ रहा है इसकी फ्रंट लूप पे हम करेंगे ड्रॉप डाउन फ्रंट लूप डबल क्रोशे, ठीक है। फिर हम रिपीट करेंगे थ्री सिंगल क्रोशेस इन अ बैक लूप, यहाँ पे जो स्टिच आ रहा है इसके सेंटर में करेंगे ड्रॉप डाउन डबल क्रोशे इन अ फ्रंट लूप इस तरह से। अब आपने इसी तरह से ये सारी रोज कंप्लीट करनी है और इसको रिपीट करते जाना है। इस राउंड के बाद आपने ये बैक लूप वाला राउंड करना है। फिर जहाँ पे आपका ये सेंटर में स्टिच आ रहा है ना, जब भी ब्लू राउंड आएगा आपका डार्क ब्लू वाला, तो आपने सेंटर वाले स्टिच में ड्रॉप डाउन फ्रंट पोस्ट फ्रंट डबल क्रोशे करना है
फ्रंट लूप डबल क्रोशे करना है सॉरी। और इस तरह से आप अपनी कैप की जितनी भी आप हाइट रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं इसकी हाइट रखूँगी ऑलमोस्ट 8 इंचेस। मैं इसकी हाइट कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसकी हाइट कंप्लीट कर ली है और टोटल जो मैंने रोज़ बनाई है वो 32 बनाई है। आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 8 इंच इसकी हाइट आ रही है और 8 ही इंच इसकी विड्थ आ रही है। ठीक है, अब लास्ट रो जो है वो मैंने ब्लू की रखी है। जो स्काई ब्लू कलर था उसको मैंने कट कर दिया था और इसको लास्ट रो के साथ हाइड भी कर दिया था। अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और चेन वन करेंगे। स्लिप स्टिच मैंने बैक लूप पे नहीं किया, मैंने नॉर्मल जो रो होती है इस तरह से पूरे स्टिच में किया है। अब मैं एक और रो बना रही हूँ सिंगल क्रोशे की। ठीक है, इस तरह से अब आप चाहें तो एक रो बनाएं, दो रो बनाएं, क्योंकि मैं इसमें लगाऊंगी लास्ट में पॉम पॉम और इसको स्टिच करूंगी तो मुझे एक्स्ट्रा 2 रोज़ चाहिए इसके लिए। तो मैं ये रो कंप्लीट करूंगी, इसके बाद एक और एससी की रो बनाऊंगी और फिर इसका थ्रेड कट करूंगी। अब मैंने 2 रोज़ एससी की बना दी है, अब हो गई 36 रोज़ टोटल। ठीक है, अब जो इसका साइज़ आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 8.5 तक। ठीक है, 8.5 तक आ रहा है। अब हम इसका थ्रेड करेंगे कट थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ ताकि हम इसको नीडल के साथ सीव कर सकें। मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है। अब सिंपली हम इसको इंसर्ट करेंगे इनसाइड और बड़े बड़े स्टिचेस के साथ इस तरह से को सीव करेंगे। ठीक है, जो हमारी लास्ट रो है मैं उसमें कर रही हूँ। इस तरह से मैं यहाँ तक आकर फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आगे हम अब हम इसको पुल करेंगे तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छे से खींच के इसको क्लोज करना है, पूरा बंद होना चाहिए। अब हम इसको उल्टा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो इसकी आई है वो क्लोज हो जाए। आप इसको खींच के रखें और यहाँ पे 1-2 स्टिच कर दें ताकि ये फिर लूज ना हो इस तरह से। अब मैं इसको रफली स्टिच करूंगी और इसकी आई को क्लोज करूंगी। इस तरह से आराम से क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको 2-3 बार स्टिच करूँगी ताकि सिक्योर हो जाए हमारा थ्रेड। थ्रेड को करेंगे कट और इसको करेंगे हम सीधा। ठीक है, हमारी आई बिल्कुल क्लोज हो गई है। अब मैंने इसके लिए जो पॉम पॉम मेकर यूज़ किया था उसका जो साइज़ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब मैं इस पर पॉम पॉम लगाऊंगी और फिर आपको फाइनल पिक्चर दिखाती हूँ।